लोग कह रहे क्या फायदा, अभी तक रूस की सेना आगे नहीं बढ़ी। अरे वो आगे जाके गेहूं बोएगा। आप अपना पैर तब तक फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ ना हो। आप रूस के दुश्मन को उसके सीधाने बैठाइएगा। तो हनुमान जी तो बस लंके जलाए थे, अभी ज्यादा उड़ेगा तो श्रीलंका जल जाएगा। अंतर बस है, उनके समय क्या जला था लंक, अब बस आगे क्या लग जाएगा श्री। इन 130 में सब शक्तिशाली हैं, सब। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, जर्मनी, इतना सब बड़का है सब। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, रूस। अभी बताइए ये 30 देशों का नियम है कि इन 30 देश किसी को भी मारे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 30 में से किसी एक को कोई मारा तो 300 मिल के मारेगा सब। सोचिए, तो रूस कह रहा है यूक्रेन से कि तुम काहे जा रहा है नाटो में, मतलब तुमको अगर हमरे से झगड़ा है, हम मारेंगे, तुम 30 को ले आके मारवाएगा हमारे पास। तो यूक्रेन समझ नहीं रहा था, हम जो करना चाहेंगे करेंगे, वी आर द सोवरेन कंट्री, ये वो मारा, पुतिन धो दिया, बहुत अच्छा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जेलेंस्की को लग रहा था यूक्रेन कब्जा करने आ रहा है, नहीं, वो यूक्रेन कब्जा ही करने नहीं आता है। कहा यहाँ घास काट के गेहूं बोएगा, पुतिन ले गया उधर का एरिया, सारा मिनरल ले गया ना। अब यूक्रेन के पास लोहा बचा ना, कोयला बचा ना, लिथियम बचा ना, कॉपर बचा ना, जिंक बचा, कुछ नहीं बचा, सब ले गया। अब गेहूं बो। समझ में आ गया कि नहीं। फाँकते रहो गेहूं, पार्ले जी बिस्किट ले गया यूक्रेन को, नौटंकी करके रख दिया है भाई। हर जगह इंसान को कभी कभी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। नहीं तो हम लोग कहिए पाकिस्तान को मार के नहीं थूर देते लोग। हम लोग 2030 तक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, 2030 तक। समझ में आ गया। उसके बाद वो बेचारा, अब जैसे मान के चलिए हमरा से किसी को फाइटी करना है, ठीक है, तो अभी तो हम लोग लड़ सकता है, हमरा से अगर मान के चलो 8-10 साल बाद लड़ने आएगा तो एकदम झीरकूट हो चुके रहेंगे, कोनो इसे ढके लेकर ढह जाएगा आदमी, नहीं समझे। तो पाकिस्तान जैसे वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक अभी ठीक ठाक है, गधा कहीं का वैज्ञानिक इतना बूढ़ा थोड़े हुआ है। अरे उसमें कमी क्या है, बस नौकरी नहीं है, टकला है। नहीं समझ में आ गया। जैसे जिस दिन नौकरी होगा वैज्ञानिक एकदम बढ़िया क्रीच लगा के शर्ट पहनेगा, और किस जिसको चौपट करेगा वो बेचारा माथा पकड़ के रोएगी, मुझे बूढ़ा मिल गया। समझ में आएगी ना। अब यूक्रेन को कौन समझाई, बैला को, लड़ गया जाके, और वो भी लड़ रहा है किससे, पुतिन से। अरे यार पागल का, पुतिन का एक हम पूरा बायो हिस्ट्री बनाए हुई है, वो कैसे कैसे कितना खतरनाक तांडव किया है पुतिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत खतरनाक है पुतिन, उसे टकराना नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पुतिनवा के बतिया बोलने में हम सोचते हैं कहियो कर इधरो ध्यान मत चला है, कहेगा कांचर आइए कभी मास्को में, कभी चाय पीते लोग। पुतिन बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन आप समझिए, लोग कह रहे क्या फायदा, अभी तक रूस की सेना आगे नहीं बढ़ी। अरे वो आगे जाके गेहूं बोएगा, उसको जो चाहिए वो क्या हो चुका है, मिल गया। उसका मेन मकसद यही था यूक्रेन को अगले 50 साल तक पीछे ढकेल दे, वो यूक्रेन को 100 साल पीछे ढकेल दिया। अब कोई यूक्रेन को कुछ नहीं कर सकता। भारत को बस इतना घाटा है कि सोयाबीन यूक्रेन से आता था, हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में बहुत सस्ती थी, वहाँ यूक्रेन में चले जाते थे लोग। यूक्रेन में नकली बाल बहुत अच्छा लगाया जाता है, नकली बाल जो होता है ना वैज्ञानिक। तुम्हारा जब नौकरी होगा, अरे तुमको नकली बाल लगाने की जरूरत क्या, तुम्हें कोई टेंशन है नहीं, ओकरा रोने दो। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आएगा। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यूक्रेन पिटाया तो कोई गलत हुआ, डिजर्व करता है उसको। आप आगे बढ़े। यूक्रेन मिल गया। यूक्रेन के इधर छोटा सा देश होगा मोल्डोवा, मिल गया मोल्डोवा, मिल गया मोल्डोवा। ये बेचारा डेराइल है, रूस से करा हम कुछ नहीं किए हैं। अरे इसको मारने में टाइम लगेगा मोल्डोवा को, तबाह कर देगा मोल्डोवा को। कह रहे हम कुछ नहीं किए, हम का छोड़ दीजिएगा। यहाँ मोल्डोवा से कोई जहाज नहीं आ रही है मोल्डोवा में। रीजन क्या है कि जहाज उड़ के आएगी, रूसोवा मार के गिरा देगा। तो ना मोल्डोवा से कोई जहाज आ रही है ना जा रही है कोई। में बेचारा इसका इकोनॉमी चौपट हुआ है। अब खुद से सोच के देखिए, अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाए तो बीच में तो नेपाल ऐसे ही पिसा जाएगा, कहेगा हम क्या किए थे रे। तो ये कौन देश है? मोल्डोवा। और यहाँ पर है बेलारूस। कौन है? बेलारूस। बेलारूस, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। रूस का आज के समय सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो बेलारूस है। कौन है? बेलारूस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूस अपने एक ठो क्लास फेलो को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया, उसका संगतिया था पुतिन का। तो पूछा कि तब पुतिन हमरो कोनो जुगाड़ लगाओ यार, तो पुतिन का चल तो राष्ट्रपति बने तो हम। और कहाँ का राष्ट्रपति बना दिया? बेलारूस का। पुतिनवा बनाया उसको राष्ट्रपति। और वहां की जनता जब विरोध की तो पुतिन अपनी सेना भेजा था, और रूस की सेना कहाँ घुस गई? बेलारूस। और कही कि हमरे संगतिया का विरोध करेगा तो मार के धो दिया वहां पर। आज भी सबसे बुरा हाल अगर कहीं है तो बेलारूस का। आप वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ भी बोलिएगा, पुतिन भेज देगा अपनी सेना, बड़ी मार मारेगा। जैसे यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, सबसे पहले बेलारूस ने समर्थन किया कि सही है। यहाँ डोनास्क नामक एक देश बना दिया, बेलारूस ने समर्थन कर दिया, सही है ये देश होना चाहिए यहाँ पे। ओकरे बेचमेट है, ऐसा ना दोस्ती होना चाहिए, है कि नहीं? कि दोस्ती में देशे मिल जाए, एक नंबर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, रूस ने उसको क्यों बनाया था? रीजन क्या है कि उसका दूगो बैचमेट था सब पुतिन का। एगो को रूस राष्ट्रपति कहाँ बना दिया? हाँ, एगो को बनाया था यूक्रेन का पेट्रो यानुकोविच। तो यूक्रेन की जनता उसको मार के भगा दी, तो वापस चल गया वहां पर। तो जेलेंस्की आया, तो जेलेंस्की रूस का बात ये नहीं सुनता है। तो रूस कहता है कि जेलेंस्की को हटाओ, हम अपने संगतिया को यहाँ का राष्ट्रपति बनाएंगे। तो जेलेंस्की कहता है कि ना हट, तो मार हो, तो रूस मार दिया वहाँ पे बढ़िया से। रूस को जो करना था रूस अपने जगह पे कर लिया, यूक्रेन बस बर्बाद हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूक्रेन के लोगों को भी समझना चाहिए, आप अपना पैर तब तक फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ ना हो। आप रूस के दुश्मन को उसके सीधाने बैठाइएगा। कोई देश क्यों नहीं मारे उसको? नहीं मारेगा। अब श्रीलंका जो है, एगो बस सेना की जहाज को परमिशन दे दिया चाइना के। कितना बवाल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? बवाल, बहुत बवाल हुआ था चाइना को लेके। अब जगह श्रीलंका अगर चीन की सेना को अड्डा दे दिया श्रीलंका में, तो श्रीलंका का तो पिटाना फिक्स है। नहीं पिटाएगा? करना कुछ नहीं है, श्रीलंका के बगल में पानी में एगो एटम बम फोड़ना है। श्रीलंका के ऊपर नहीं, तनी दूरी पे फोड़ेंगे ना तो सुनामी आ जाएगा। कौन दा जाएगा? कर लो जो करना है। समझ में? हम लोग को तो श्रीलंका को धोने का पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ, चोल वंश में करी काल से हनुमान जी हनुमान जी का नहीं जान, जाके लंके जरा के चलाए थे। तो हनुमान जी तो बस लंके जराए थे, अभी ज्यादा उड़ेगा तो श्रीलंका जल जाएगा। अंतर बस है, उनके समय क्या जला था? लंग। अब बस आगे क्या लग जाएगा? श्री। क्या लग जाएगा? श्री। इतनी चूंकि ये वहां पे कोई बहुत बड़ा थोड़ी है श्रीलंका, वहां ज्यादा होगा वहां पे तो। और आजकल तो बानेरी सेना इतना ज्यादा है, हमरो पास है तो बानेरी सेना यहाँ पे नहीं समझेगा। अब मंजरी सेना दोनों जाएगी, सो वहां पे जितना बीघा मिले कब्जी आलू। हाँ हाँ, आगे बढ़े। बताइए, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी। अभी रूस जो बोलेगा उसको हम यहाँ कौन मिलाता है? देख रहे हैं कितना खतरनाक दोस्ती है, इंटरनेशनल दोस्ती एक और को देश दे रहा है। हाँ, अखंड दोस्ती। आगे बढ़े।